ऊना सतपाल सत्ती ने बडेहर में सामुदायिक भवन का किया भूमि पूजन। छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने ऊना सदर विस क्षेत्र के तहत आने वाले बडेहर में लगभग 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले सामुदायिक भवन का विधिवत रूप से भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि इस सामुदायिक भवन के बनने से स्थानीय लोगों को शादी विवाह, धार्मिक कार्यक्रमों सहित अन्य सामाजिक समारोहों के लिए सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में ऊना विधानसभा क्षेत्र में अनेकों विकासात्मक कार्य किए गए हैं। सत्ती ने कहा कि बडेहर गांव में लोगों को लो वोल्टेज की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए 21 लाख रुपए की राशि व्यय की गई है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बडेहर की 4 दीवारी लगभग 14 लाख रुपए की लागत से तैयार कर जनता को समर्पित की गई है। इसके साथ ही 3.86 लाख रुपए की राशि व्यय कर स्कूल का सौंदर्यीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि 72 लाख रुपए से बन रही बडेहर सिंचाई योजना तथा राम तलाई में 68 लाख रुपए की लागत से बन रही सिंचाई योजना का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। सत्ती ने कहा कि सरकार ने मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत बडेहर में ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए 50 लाख रुपए की राशि भी दी है। 5.72 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर बडेहर शासन उदयपुर लमलेहड़ा सड़क का सुधारीकरण किया जाएगा। सत्ती ने कहा कि ऊना क्षेत्र के प्रत्येक गांव को सड़क नेटवर्क से जोड़ने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि बडेहर गांव के लगभग 48 पात्र व्यक्तियों को इलाज हेतु सीएम रिलीफ फंड से लगभग 12.86 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। बडेहर गांव में 25 सौर ऊर्जा संचालित लाइटें भी स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत ऊना ब्लॉक में 65 गांव में बडेहर को प्रथम स्थान मिला है। इस अवसर पर बडेहर गांव के लोगों ने सतपाल सिंह सत्ती से नए पंचायत घर बनाने का आग्रह किया। सत्ती ने पंचायत घर का एस्टीमेट करने के निर्देश देते हुए कहा कि शीघ्र ही लोगों को पंचायत घर बनाने की मांग पूरी की जाएगी। सतपाल सिंह सत्ती ने पात्र लाभार्थियों को भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ लेने का आह्वान किया। इसके अलावा उन्होंने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए कोविड सुरक्षा नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने की अपील भी की। आज ग्राम पंचायत बडेहर में एक सामुदायिक भवन के निर्माण का नींव पत्थर रखा गया है। ये सामुदायिक भवन लगभग 15 लाख रुपए में बनकर के तैयार होगा। इस सामुदायिक भवन के बनने से 3-4 मोहल्ले ऐसे हैं, यहाँ पर विवाह शादी और सार्वजनिक या सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रमों के लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अन्यथा इस जमीन भी पंचायत की है और पैसा 10 लाख रुपए से ज़्यादा इस सामुदायिक भवन के लिए आया है। तो इस गांव के अंदर और भी पेयजल योजनाओं के कार्यक्रम अनेकों चले हुए हैं। पेयजल योजनाएँ चल रही हैं, सिंचाई योजना चल रही हैं और गांव के अंदर वोल्टेज की समस्या को हल करने के लिए लगभग 2-3 मोहल्लों में हमने नए ट्रांसफार्मर भी लगाए, पोल भी लगाए, केबल तारें भी लगाई और 21 लाख रुपया लगभग उस काम के लिए लगा है। और गांव के स्कूल की 4 दीवारी लंबे समय से पेंडिंग थी, मतलब 14 लाख रुपया लगा करके गांव के स्कूल की बाउंड्री वाल को हम लोगों ने लगाया ताकि बच्चे सुरक्षित रहना है कि गांव शुद्ध होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए और गांवों के अंदर स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। तो उसकी ओर ग्राम पंचायत के सहयोग से और प्रदेश सरकार के सहयोग से ये गांव आगे बढ़ा। ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ संवाददाता राजीव राठौर की रिपोर्ट।